औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले बहन भाइयों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे जो तमाम बहन भाई हैं जो हमें देखने वाले हैं सब खैर वाफियत के साथ होंगे और सलामती के साथ होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जी रात भी जो है ना हमने वीडियो बनाई थी लेकिन वो थोड़ी सी जो है उसका माइक का मसला हो गया था इसलिए वो अपलोड नहीं हो सकी। तो अब जो है हमने जो है दोबारा से आज जो है ना रात भी जो मैं चीज़ें लेकर आया था उसकी एक वीडियो थी छोटी सी लेकिन अभी जो है वो हम बना रहे हैं सब्ज़ी आलू गाजर और बैंगन वगैरह ये चीज़ें। तो मैंने कहा चलो अपने जो देखने वाले बहन भाई हैं उनके साथ भी शेयर कर दें और जो हमारे देखने वाले बहन भाई हैं जहां रहें खुश रहें आबाद कर रहें। तो सबसे पहले जी हम आग जलाएंगे इसमें। तो जी ये हमारा जो है ये प्याज जो है वो लाल हो गई है। अब हम इसमें ये मिक्स सब्ज़ी जो है ना ऐड कर देंगे और पहले हम डालेंगे इसमें ये आलू और गाजर और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बैंगन और उसके बाद जी इसमें हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। ये बहुत इजी रेसिपी है और हल्की आंच पे जो है ना बना लें तो बहुत बहुत अच्छी और बहुत लजीज बनती है। तो जी ये है आज की हमारी रेसिपी और ये जो है हमारी तैयार हो रही है। वीडियो लंबी हो रही है इसी वजह से मैं आपको जो है ये फुल जो है ना मुकम्मल नहीं दिखा सकूंगा वीडियो आज इसकी रेसिपी की। तो जो हमारे बहन भाई हैं जो अस्पतालों में या घरों में बीमार हैं अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती और ईमान सलामती वाली ज़िंदगी अता करे रब्बिल आलमीन। और जिनके औलादे नहीं हैं अल्लाह पाक उन्हें नेक और साले औलाद दे रब्बिल आलमीन। और जिनके रोज़गार नहीं हैं अल्लाह पाक उन्हें हलाल और कुशादा रिज़्क दे। और जिनकी औलादे हैं अल्लाह पाक उन्हें नेक और सालेह बनाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए रब्बिल आलमीन। जिनके माँ बाप हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती और ईमान सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जिनके माँ बाप नहीं हैं इस दुनिया से गुजर गए हैं तो अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मगफरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और हमारे जो बहनों के जो रिश्तों के मसाइल हैं अल्लाह पाक उनको जो है हल करे रब्बिल आलमीन। और जो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों में बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी नेमतें लेकर आए। और अपने YT फैमिली जो है मेरी उन सब के लिए जो है ना बहुत सारी दुआएं यही दुआएं अल्लाह पाक उनके हक़ में कबूल करे। जो प्यार जो दुआएं जो कमेंट्स आप हमें करते हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि वो प्यार वो दुआएं अल्लाह पाक आपके हक़ में भी कबूल व मंजूर फरमाए। जिन बहन भाइयों ने दुआ के लिए हमें कहा है और हम अगर नाम लेकर उनके लिए दुआ ना कर सके तो अल्लाह ताला रहीम है करीम है दिलों के राजों से वाकिफ है हर चीज़ को अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने बड़ाई के सदक़े में अपने रहीमी के सदक़े में अल्लाह पाक हमारे उन बहन भाइयों के वो दिल की नेक तमन्नाएँ नेक ख्वाहिशें अल्लाह पाक पूरी करे और उनके जो सारे परेशानियां दुख दर्द तकलीफ़ें अल्लाह पाक जो है ख़त्म कर दे रब्बिल आलमीन। और उनके लिए जो है आसानियां ज़िंदगी में पैदा करे और उनके जो भी मसाइल हैं जो भी परेशानियां जो भी दुख हैं अल्लाह पाक अपने बड़ाई के सदक़े में अल्लाह पाक उनको हल कर दे रब्बिल आलमीन। तो जी ये हमारी जो रेसिपी है अब ये तकरीबन जो है ना ऐसे समझें कि अभी इसको हमने मिक्स कर लिया और इसको ढक कर रख देंगे हम। अब ये 15 से 20 मिनट हल्की आंच पर जो है 15 से 20 मिनट में पकेगी और इतना माशाल्लाह ये बनेगी बहुत अच्छी बनेगी। तो जी उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। और
लास्ट में यही आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश जो अपने बहन भाइयों से है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। और जो तहे दिल से जो अपने बहन भाइयों का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जो हमसे जुड़े हुए हैं और इतना हमें प्यार करते हैं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो एक और वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। फातिमा अल्लाह हाफिज़, अपने बहन भाइयों को बोल दो। भाई बहन अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, हमारा यही दुआ है। अल्लाह किसी को बच्चे नहीं है बच्चे दे दे इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी है कल भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।